साथियों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्या। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम नंबर सिस्टम में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, आवर्त दशमलव। आखिरकार आवर्त दशमलव है क्या और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम दोनों ही बातों पर बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपका साथ बने रहना, लास्ट तक साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आवर्त दशमलव है क्या। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस तरह से कुछ संख्याएं देखी होंगी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपका 1.333, इस तरह से आपका 33 बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह की संख्याएं देखी होंगी, डैश डैश लगा होगा। या फिर आपने इस तरह संख्याएं भी देखी होंगी कि किसी अंक पर पॉइंट के बाद बार लगा होता है, तो इस तरह की भी संख्याएं देखी होंगी। तो आवर्त दशमलव का मतलब आवर्ती का मतलब है किसी चीज़ का बार बार एक तरह से रिपीट होना, बार बार किसी चीज़ का आना। तो इस तरह की संख्याएं आपने देखी होंगी कि आपका 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो हम अब 3 को कितनी बार लिखोगे, आपको ये पता नहीं चल पा रहा है 3 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक 3 आता रहेगा। तो हम उसको क्या करा, हमने इसको लिखने का एक तरीका बनाया, जो भी अंक आपका रिपीट होता है, जो भी अंक आपका रिपीट होता है उस पर हम बार लगा लेते हैं। इसलिए आपका ये कितना बन गया, 1.3 बार बन गया। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये बार कैसे करके आता है, जैसे प्यारे साथियों अगर आपने 3 से 10 को भाग किया, 3 से 10 को भाग किया, 3 तिया कितना हुआ, 3 तिया आपका 9 हुआ, 1 बचा। अब पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 तिया कितना, 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 3 तिया 9, ऐसी चलता रहेगा आपका। तो 3.3333 ऐसे करके आता रहेगा। अगर इसको लिखोगे बार के रूप में तो कैसे लिखोगे, 3.3 बार, ऊपर एक इस तरह से लाइन खींच देते हैं जो भी अंक हमारा रिपीट होता है। तो ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मतलब क्या है, अगर आप किसी संख्या को भाग कर रहे हो किसी संख्या से, तो उसमें क्या रहा है, एक अंक हमारा क्या हो रहा है, बार बार एक अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, 3 अंक भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, कितने भी अंक हो सकते हैं आपके बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की बातें हैं, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो, इसमें 2 तरह के हमारे आवर्त दशमलव होते हैं, एक प्योर फॉर्म होती है और एक हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म होती है, एक हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म होती है। अगर मेरे प्यारे साथियों हम प्योर फॉर्म की बात करें, तो एग्जांपल समझिएगा, प्योर का मतलब आपके कोई संख्या लिखी है 4.03 और दोनों ही अंक पर आपका बार लग गया, 0.3434, मतलब पॉइंट के हर एक अंक पर यदि बार लगा है तो वे प्योर फॉर्म कहलाएगी, किसकी, आवर्त दशमलव की। जैसे 2.456, 3 अंकों पे बार लगा है, तो आपके 4.56, 4.56, 4.56, 4.56, इस तरह से 4.56 आता रहेगा। अगर मिक्स फॉर्म की बात करें, तो मिक्स फॉर्म क्या है, मतलब अगर आपने लिखा, जैसे मान लो ये लिखा आपका, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, या आप मुझ पर विश्वास रखिए। मिक्स का मतलब पॉइंट के बाद कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जिस पर बार नहीं लगा हो, और कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जिस पर बार लगा होगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 2 पे आपका बार नहीं लगा है और 3 पे बार लगा है। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5, 6, 7, अब क्या है देखो, 5 पे तो बार नहीं लगा है, 6, 7 पे बार लगा है, 2.9267, तो 6, 7 पे बार लगा है और 9, 2 पर बार नहीं लगा है। तो प्योर फॉर्म का मतलब पॉइंट के बाद हर एक अंक पर आपको बार दिखाई दे रहा होगा, और मिक्स फॉर्म में पॉइंट के बाद कुछ अंकों पे बार लगा है, कुछ अंकों पे बार नहीं लगा है। कितनी बढ़िया बात है, चलो ये तो समझ में आ गया भाई। लेकिन अब मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मान ज्ञात कीजिए, और ये जो है आपकी सभी की सभी आपकी कैसी फॉर्म है, सभी की सभी फॉर्म आपकी प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म का मतलब दशमलव के बाद हर एक अंक पर बार लगा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम प्योर फॉर्म को कैसे करके सॉल्व करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बन जाएगा आपका, बोल देंगे आपका 0.3 बार है, इसको भिन्न में चेंज करो, ठीक है, भिन्न में चेंज करो, है ना। तो कैसे करके करेंगे ये बात समझनी है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन आपके पास लिखे हैं, देखो मैंने आराम से, देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन मेरे पास बने हुए हैं, बस अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझो, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो 0.3 को हमने किस में चेंज करना है, बार में। बहुत आसान तरीका है, कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जितने अंकों पे बार लगा होता है पहले उन अंकों को नोट कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद उन अंकों को नोट कर लिया। तो 3 पे लगाया बार, 3 नोट कर लिया। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 9। 9 क्यों आएगा साहब, जितने अंकों पे बार लगा होता है, जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने अपॉन में 9 लिख देते हैं। अब एक ही तो अंक है जिस पे बार लगा है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अगर 0.3 बार को लिखोगे तो 1/3 लिखा जाएगा। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से यहाँ पर आ गई होगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं 0.21 की। तो 21 लिख लोगे पहले, पॉइंट हट जाता है, ठीक है भाई, 21। इसके बाद दो अंकों पे बार लगा है तो 2 9 लिख जाएगा अपॉन में, तो आपका 3 7 21 3 3 9, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, 7/7 कितना हो गया, 7/33 हो गया, 7/33 हो गया। इतनी बात जो है सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है साथियों। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा वाला, देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, थर्ड क्या है हमारा, 0.123, और तीनों पर आपका बार लगा है। तो कैसे लिखोगे इसको, पहले 1 2 3 लिखोगे, फिर अपॉन में क्या लिखोगे, कितने अंकों पे बार लगा है, 3 अंकों पे, तो 3 बार आपका या 3 9 लिख दिए जाएंगे। 3 चौक 12, 3 एकम 3, और 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, मतलब 41/333। कितनी आसान बात है, कोई दिक्कत किसी भी साथी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 2.357। ये इस तरह से, अब देखो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है उसको हम सही में या होल के रूप में लिख लेंगे, 2 सही, बाकी पॉइंट के बाद 357 लिखोगे, और अपॉन में कितनी बार 9 आएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, पॉइंट से पहले जो अंक होगा, पॉइंट से पहले जो संख्या होगी उसको सही में, तो 2 सही हो गया। पॉइंट के बाद को सॉल्व करना है, 357 लिख लेंगे, और 3 अंकों पे बार लगा है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 3 3 3 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 हो जाएगा, और 119/333। आई थिंक अब शायद ये नहीं कटना चाहिए, 3 3 9, हाँ नहीं कटेगा, तो 2 सही 2 सही, 119/300 कितना, 33 हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में ये बात भी आपको अच्छे से आई होगी। और अच्छे से समझने के लिए पांचवा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये हमारे पास तो 1 सही होगा क्योंकि पॉइंट से पहले सही में आएगा, फिर 27/ कितना आएगा, 2 अंकों पे बार लगा है तो 2 बार 9 आ जाएगा, 9 3 27 9 11, तो 1 सही 3/11 इसका आंसर हो गया। 1 सही 3/11 जो है इसका आंसर हो गया। तो पांचों जो है हमने यहाँ पर एग्जांपल देखे, पांचों क्वेश्चन करे, और सभी के सभी आपके किस में थे भाई, प्योर फॉर्म में थे। किस में थे, प्योर फॉर्म में थे, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में सही से आ गई होगी। चलो भाई अब अगले चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारा मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी मान ज्ञात करने हैं, लेकिन ये आपके कैसे हैं, ये आपके मिक्स्ड फॉर्म है। ये आपका कैसा है, ये आपका मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है।
मतलब अंकों पर बार लगा भी होगा और नहीं भी लगा होगा। तो कैसे करना, अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर बहुत आसान है, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन इसका आ जाए आप आसानी से कर जाओगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास पहला एग्जांपल है 0.3 और 6 पर बार लगा है। तो पहले क्या करोगे आप, जो भी हमारे पास संख्या है वो लिख लो, हमारे पास इस तरह से 36 लिख लिया, कोई डाउट नहीं हुआ। इसके बाद माइनस किसको करना है, माइनस करना है जिस पर बार ना लगा हो। माइनस किसको करना है, जिस पर बार ना लगा हो। अब सर किस पे बार नहीं लगा है, तो आप कहेंगे 3 पर बार नहीं लगा है, तो 3 को माइनस कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद अपॉन में क्या आता था, हमारा 9 आता था। तो कितने अंकों पर बार लगा है, 1 पे बार लगा है, तो 1 9 आ गया। कितने अंकों पर बार नहीं लगा है, 3 पे बार नहीं लगा है, मतलब एक अंक हमारा है 3 जिस पे बार नहीं लगा है। तो जिस भी अंक पर बार नहीं लगा होता है, जितने अंकों पे बार नहीं लगा होता उतने अपॉन में 0 लगाते हैं, उतने अपॉन में 0 लगाते हैं। बार मतलब 9, बार नहीं का मतलब 0। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 33/90 आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर लो 11 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो 11/30 हो जाएगा। हो सकता है आपको ये थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन और हैं इस तरह के, बिल्कुल ये चारों सवाल करेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा किस तरह से करना है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगले हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये आपका इस तरह से बन जा रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले 312 लिखोगे, फिर माइनस कितना करोगे, 3 जिस पर बार नहीं लगा होता है उसको माइनस करते हैं, जिस पर बार नहीं लगा होता है उसको हम माइनस करते हैं। अपॉन में क्या आएगा, 9 और 0 आता है, तो 9 मतलब बार, बार का मतलब 9, तो 2 अंकों पे बार लगा है तो 2 9 आ गया, और 1 पर नहीं लगा है तो 1 0 हो गया। अब 312 में से अगर मेरे प्यारे साथियों घटाओगे 3, तो 309 और बटे 990, ये इस तरह से बन जाएगा, ये जो है आपका इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 3 × 3, 3 × 9, 103 और ये आपका 330, तो मुझे लगता है आपका 103/330 हो जाएगा, क्योंकि शायद ये और कैंसिल ना होगा। अगर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये दूसरा पार्ट था, और समझते हैं तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 0.312, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले 312 माइनस कितना करोगे, 31 करोगे, क्योंकि 31 पे बार नहीं लगा है, मतलब 31 पे बार नहीं लगा है, 31 आपका माइनस हो जाएगा। अपॉन कितने अंकों पर बार लगा था हमारा, देखो तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तो 1 अंक पे बार लगा है तो 1 9 आ गया, और 3 और 1 पे बार नहीं लगा है तो 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, इसका मतलब 2 0 अपॉन में आ जाएगा। तो भाई कितना हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 में से 3 जाएगा 8, 200 आपका 81 बचेगा, 281 और अपॉन कितना 900। तो ये हमारा 281/ कितना हो गया, 900 हो गया। इसको भी हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो 281/ कितना हो गया, 900। चौथा पार्ट देखो जरा क्या है, 0.716। तो इसको कैसे करोगे, 716 लिखोगे, माइनस 71 हो जाएगा, क्योंकि आपका 71 पर बार नहीं लगा है, 1 अंक पे बार लगा है तो 1 9 और 2 अंकों पे बार नहीं लगा है 2 0। 6 में से 1 जाएगा 5, 11 में 7 जाएगा 4, 645 बटे कितना हो गया, 900 हो गया। इतनी सी बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी, अब तो कोई भी डाउट मुझे लगता नहीं है, होना चाहिए। 6 में से 1 जाएगा 5, 11 में 7 घटेगा 4 और 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर अगर कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो, ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल करोगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, ठीक है ना, 5 × 5 = 45, 5 × 5 = 5, 4 बचेगा, 5 × 8 = 40, 180 हो जाएगा। 3 से और कैंसिल करो, 3 × 12, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, 60 हो जाएगा, 3 से और नहीं कटेगा तो आपका 41 बटे 60, 43 बटे
तैतालीस बटे साठ इसका आंसर हो जाएगा, तैतालीस बटे साठ इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और पार्ट बचा है, पांचवा पार्ट, इसको भी यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। 0.136 ठीक है, 36 पे आपका बार लगा है, तो पहले आप लिखोगे 136, फिर माइनस कितना करोगे, एक करोगे क्योंकि एक पर बार नहीं लगा है, अपॉन दो अंकों पे बार लगा है तो 29 और अपॉन में कितना 0, तो 135 अपॉन कितना 990, 5 से कैंसिल करो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 ठीक है, और 5 एकम 5 कितना हो जाएगा आपका 4 बचेगा 49, 5 नियम 45 और 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 4 बचेगा 49 हो गया, 5 नियम 45 4 बचा 5 अट्ठे 40, अच्छा 9 दूनी 18, 9 तीन 27 कर लो, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 3 बटे 22 हो जाएगा यहाँ पर। बताओ ये बात जो है सबको अब समझ में आ गई होगी, तो प्योर फॉर्म पढ़ा और मिक्स्ड फॉर्म पढ़ा, दोनों को हमने अच्छे से यहाँ पर डिटेल में पढ़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो, देखो पॉइंट से पहले जीरो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका ये 2.136 होता तो आपका कितना 2 सही में लग जाता, तो आपका 2 सही 3/22 आंसर हो जाता, तो पॉइंट से पहले वाले वैल्यू होगी ना वो हमारा सही में आ जाएगी, होल की फॉर्म में लिख लेंगे। अब चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी, अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से दिमाग में फंस जाएंगी। अब आप देखो 0.777 का भिन्नात्मक मान ज्ञात करना है, मतलब भिन्न के रूप में चेंज करना है। एक बात बताओ, ये डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि आपका जो सात जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 0.7 बार, क्योंकि 7 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 पे क्या लग जाएगा आपका बार लग जाएगा, बहुत ही आसान बात, ठीक है साथियों। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो 7/9, ये तो आपको बहुत आसान है, जितने अंकों पे बार लगा होगा उतना अपॉन में 9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर पहला मतलब ए सही हो गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अगला सवाल 0.4 बार का वर्गमूल ज्ञात करना है, 0.4 बार का वर्गमूल ज्ञात करना है, और वर्गमूल कैसे निकालोगे भाई, वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमें यहाँ का बार हटाना पड़ेगा, जो आपका बार लगा है ना इसको पहले हटाना पड़ेगा, तो भाई हटा सकते हो ना, इसको कैसे लिखोगे 4/9, अब इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, ऊपर का वर्गमूल 2 आ गया और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, लेकिन जो हमारे आंसर हैं वो आपका पॉइंट में और बार में दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 से आप 2 को भाग करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप 0 लगाओगे आप 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 3 6 18, 6 6 6 आता रहेगा आपका, तो 0.66 इस तरह से आता रहेगा, तो आप क्या करोगे भाई, जो अंक बार बार रिपीट होता है उस पर बार लग जाता है 0.6 बार, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 0.4777, ये डैश डैश इस तरह से है, पहली बात तो आपका सात जो है डैश डैश लगा है, इसका मतलब सात सात आपका रिपीट हो रहा है, सात 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 आता रहेगा, तो कैसे लिखोगे इसको, इस तरह से लिख सकते हो ना 0.47 बार, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहाँ पर समझना पड़ेगा ये प्योर फॉर्म है या मिक्स्ड फॉर्म है, तो आप कहेंगे मिक्स्ड फॉर्म है, तो मिक्स्ड फॉर्म कैसे करते हैं, पहले उतार लेंगे संख्या 47 माइनस जिस अंक पे बार नहीं लगा है तो 4 पे बार नहीं लगा है, अपॉन जितने पे बार लगा है उतना 9 और जितने पे बार लगा नहीं लगा है उतना 0, तो आपका कितना हो जाएगा 43/90, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। अब समझ में आपको आ रहा होगा कैसे सवाल बनते हैं, अब समझ में चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से आने लग गई होंगी, जो भी आपके माइंड में पहले डाउट आ रहा होगा अब डाउट जो है मुझे लग रहा है कि दूर हो गए होंगे आपके। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल ये आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई, 0.713
13 13, अब कुछ समझ में आ रहा है भाई, 13 13 तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 13 पर हमारा क्या लग जाएगा, मतलब 7 पे नहीं, केवल 13 पर बार, क्योंकि 13 13 13 आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 7 13 माइनस कितना करोगे 7, और अपॉन में कितना आएगा ए, दो अंकों पे बार तो 2 9, और एक अंक पे बार नहीं तो 1 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 706 माइनस करने पर, और 9 9 9, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पर सही हो जाएगा 706 अपान 99, मतलब 9 999, 706 अपान 999। कितने आसान सवाल है ना, बहुत आसान है अगर आपने एक बार पढ़ लिए, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है कि आप जो है समझ ना पाओ। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है इसमें से 368 बार में से 2.79 बार माइनस कर देना है, तो इसमें आसानी से कर सकते हो। कैसे करके माइनस करोगे भाई, कैसे करके माइनस करोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे माइनस करोगे तो 18 आएगा, हासिल लेना पड़ेगा, 18 में से 9 जाएगा 9, इधर 5 रह जाएगा, हासिल लोगे 15 में से 7 जाएगा आपका 8, ठीक है, तो 89, ये आपका 89 बार हो जाएगा, 89 आपका बार हो जाएगा। अब यहाँ पर 88 लिखा हुआ है, एक सेकंड, ऑप्शन इसमें जो है नहीं हमारे पास, तो इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया, 89 होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर तब जाके सी सही होगा, 0.89 बार, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 0.89 बार, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, छोटा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलें तो क्या क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है, 5.76 बार में से कितना घटाना है, 2.3 बार। अब एक बात बताओ, ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद दो अंक हैं, दोनों पे बार लगा हुआ है, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, तो जब तक हमें दो अंक नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका 2.3 बार है, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 3 आपका रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपका 0.33 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस कर लो तो 6 में से 3 जाएगा 3, 4 और 3, ठीक है, हाँ, तो 3.43 बार ये हमारा जाके बन रहा है, 3.43 बार, 6 में से 3 घटेगा 3, 4, 7 में से 3 घटेगा 4, 5 में से हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में मिस्टेक है, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई, चलिए कोई नहीं, लिखने मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो आपका ये इसको सही कर लो, 3.43 बार, ये ऑप्शन नंबर आपका फिर डी सही हो जाएगा, है ना, ये 5 नहीं होगा यहाँ पर 3 होगा, 3.43 बार, ये हमारा सवाल हो गया, तो इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल और देखते हैं, इसमें क्या है, 0.11 प्लस 0. लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली पहले ऐड करोगे तो आपका 0.33 बार ऐसे करके हो जाएगा, ऐड करोगे, अब गुणा करनी है कितने से, 3 से, तो गुणा करने के लिए पहले हमें इसको चेंज करेंगे, तो 33/99 आ जाएगा, नहीं इंटू 3 इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि बार हट जाएगा फिर गुणा करेंगे हम लोग, बार आपका हटेगा तो कैसे हटेगा, पहले 33/ जितने अंकों पर बार लगा होता है उतना 9 लिख लेते हैं, 33 एकम 33, 3 99, 3 से काटेंगे 3 तो 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, आई थिंक सवाल, हाँ इतने ही सवाल थे, ये अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई सवाल थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो उसको दोबारा से देखिएगा, बिल्कुल आपका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले लेक्चर में फिर एक नए तरह के सवाल के साथ मिलेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।